सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये टॉपिक और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट, एम्स और जिपमर तीनों के एग्ज़ाम के लिए। और मैं पूरा एक सीक्वेंस में इसको कंप्लीट करूँगा, आपको कंप्लीट करके दिखाऊँगा। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि यही चीज़ पढ़ने के लिए बच्चे लाखों रुपए देते हैं, लाखों रुपए दे के वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर जाके पढ़ते हैं। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लाखों रुपए बचा के आपको घर पे बैठे बैठे और उस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए सक्षम हूँ और मैं पहुंचा सकता हूँ। तो आप मेरे सारे लेक्चर को देखिए, स्टार्टिंग से देखिए और एंड तक देखिए, क्योंकि आप जब अब लाखों रुपए दे के वहाँ बैठ के 2-3 घंटे 5 घंटे पढ़ सकते हैं, तो मैं आधे घंटे लेक्चर तो क्यों नहीं देख सकते, है ना। तो आप आराम से इसे लेक्चर को देखिए, पूरा सिक्वेंस वाइज में रहेगा ये। और आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा और इस लेक्चर को देखने के बाद, ये पूरी वीडियो को देखने के बाद, आपके कहीं से भी क्वेश्चन रहेंगे नहीं, आराम से आप कर पाएंगे। तो शर्त यही है कि आपको पूरा का पूरा देखना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे तरफ से एक सेवा है आपके लिए। बट आपके लिए भी एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को मुझे प्रोत्साहित करें, मुझे थोड़ा सा इनकरेजमेंट दीजिए। इनकरेजमेंट बस देने के लिए बस लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, बस इतना ही मैं आपसे चाहूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेशन इज़ विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया था कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, कैसे हमारा हार्ट जो है पंप करता है, कैसे एट्रिया और वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ऑल आर गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज़ विलियम हार्वे। और पूरा फिजियोलॉजी मतलब पूरा फिजियोलॉजी इन मतलब कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सब का सब उन्होंने विलियम हार्वे ने बताया था। तो जो हमारा हेल्थ होता है कौन कौन से फैक्टर से डेविएटेड होता है, तो पहला फैक्टर है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसमें रोल रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया तो मतलब मेजोरिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर का इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा मतलब कि मदर के वॉम में है और उसे अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसे जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो माइट बी इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट विद इन द वॉम। बट अगर एक बार पैदा हो जाता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर का ऑलमोस्ट इलाज नहीं है, रदर देन जीन थेरेपी एंड ऑल, वो अलग चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर टू अफेक्ट द हेल्थ। हम जब भी बीमार पड़ते हैं, अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इवन इंडिया में जो टीवी है, ट्यूबरक्लोसिस है, दैट इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडिया। सो इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द इन्फेक्शंस। जो सामने वाला पर्सन है, हम उसके सामने आ जाते हैं तो वो कफ करता है, स्नीज करता है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शंस फैल सकता है। सो इन्फेक्शन इज़ अ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अफेक्ट आर हेल्थ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का जो नंबर है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन फैक्टर टू अफेक्ट द हेल्थ। जितने भी आप बड़ी बड़ी बीमारी आज के टाइम में देखते हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, राइट, हाइपरटेंशन हो, कैंसर, इवन कैंसर हो, ये सारे के सारे, इवन डायबिटीज़ हो, हमारे इंडिया में दो चीज़ें बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, इवन कैंसर ऑल्सो, राइट। सो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इज ऑल रिलेटेड टू द जेनेटिक्स एज वेल एंड लाइफ स्टाइल ऑल्सो। जैसे आप मेट्रो सिटी में देखोगे कि हर एक बंदा, हर एक पांचवा बंदा मोटापा से ग्रसित है, उसे ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी प्ले अ वाइटल रोल टू डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। इट इज़ अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई कोई पर्सन ओबीज है, या पर्सन मतलब मेल और फीमेल कोई भी, तो दे हैव अ चांसेस टू डेवलप अ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इन अ दैट इज़ कमिंग फ्यूचर नियर नियर मतलब के नियर डेज में उसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होने की संभावना है। तो लाइफ स्टाइल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए लोग कहते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि पुराने ज़माने के लोग जो होते थे उन्हें कभी बीमारी नहीं होती थी, और आज तरह तरह से बीमारी, नई नई बीमारी आ रही हैं। तो देखिए, नए नए बीमारी
आती तो खैर नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। पुराने के लोग जो होते थे प्रॉपर समय पे सोते थे, प्रॉपर समय पे जगते थे, हेल्दी खाना खाते थे, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। और आज के टाइम में ना तो हम सही से सोते हैं सही समय पे, ना ही सही समय पे जागते हैं, और ना ही हम हेल्दी डाइट खाते हैं। हम पिज़्ज़ा बर्गर इन सब पे डिपेंड रहते हैं, तो लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब हो चुका है, खासकर मेट्रो सिटी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड दिस इज़ मेन फैक्टर टू डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ इवेंट। कैंसर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल एज वेल, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो मीनिंग ऑफ हेल्थ देखते हैं कि मीनिंग ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, कि हेल्दी किसे कहते हैं, मतलब कि जो अच्छा स्वास्थ्य है वो क्या है। सो हेल्थ डजन मीन द एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है या कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि मेरे मेरे अंदर अभी भी कोई बीमारी नहीं है और मैं फिजिकली मान लो कि मैं फिट हूँ, तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं होता है कि मैं हेल्दी हूँ। हेल्दी द हेल्थ को WHO ने डिफाइन किया, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है। सो द हेल्थ मे बी डिफाइंड एज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग्स, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ द डिजीज। मतलब कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ कम्प्लीटली फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि फिजिकली अच्छा होना चाहिए, मेंटली अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका मेंटली बिहेव अच्छा होना चाहिए, सोशली इंट्रैक्शन लोगों से बात जब करे उसका लोगों का उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ अ दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, उसी को हम हेल्थ मानते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द गुड हेल्थ, क्या आखिर हम अगर हेल्दी बन भी जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जो हेल्दी पर्सन होता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, जहाँ भी काम करे, ऑफिस में काम करे या खेतों में काम करे या कहीं पे भी काम करे, तो हेल्दी जो पर्सन होगा बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसलिए क्या होता है कि जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे प्रोडक्शंस बढ़ सकता है, दे ब्रिंग्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पिटी और इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ सकती है उस कंट्री का, इकोनॉमिक इकोनॉमिक वाइज काफ़ी रेस हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इट इज़ रिड्यूस द चाइल्ड एंड मैटरनिटी मॉर्टेलिटी। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो बच्चा जब बच्चा पैदा होता था तो मदर भी मर जाती थी, बच्चा भी मर जाता था, क्योंकि इतना मेडिकली नहीं होता था। अब हम लोग हेल्थी हो गए हैं, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है, अवेयर लोग हो गए हैं, तो इससे क्या होगा कि दैट इज़ रिड्यूस द चाइल्ड एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट प्लान को लाया है, जननी सुरक्षा योजना, जननी इवन जननी कल्याण योजना, बहुत सारी योजना है, प्लान है जो कि इस फैक्टर पे काम करती है, जैसे चाइल्ड और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के वजह से ही हो पाता है। सो क्वेश्चन आता है कि कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छे से अचीव कर पाएँ, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे लेके आए, ठीक है। तो पहला आता है हमारा बैलेंस डाइट। डाइट का जो असर होता है हमारे हेल्थ पे बहुत ही डायरेक्टली पड़ता है, यानी डाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द गुड हेल्थ। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो ऑब्वियस है आप बीमार पड़ जाएंगे, या कुछ गंदा डाइट लेंगे तो ऑब्वियस है बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू अचीव अ गुड हेल्थ। अब बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, फैट भी बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होना चाहिए और फैट्स भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ये सारे एक इक्वल प्रोपोर्शनल रेशियो में होने चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। फैट इवन बहुत ही कम होना चाहिए, अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टू अचीव अ गुड हेल्थ। तो बैलेंस डाइट कॉजेज अ गुड मतलब कि कॉजेज अ अचीव अ गुड हेल्थ। दूसरा चीज़ होता है हमारा पर्सनल हाइजीन। जैसे हम अपने सारे अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पूरा अच्छे से क्लीन करना है, अगर हम हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो हमें डिजीज़ फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो हाइजीन इज़ ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव अ गुड हेल्थ। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, इवन खाने के समय अपने हैंड को वॉश करना है, खाने के बाद भी हैंड को वॉश करना है, जब एवरी थिंग मतलब कि जब भी आप किसी न्यू बॉर्न को भी टच कर रहे हैं तो उसके पहले आपको
हैंड वॉश करना जरूरी है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होता है दे आर इजी टू प्रॉन द इन्फेक्शंस, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। सो तीसरा जो फैक्टर आता है हमारा गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। सो दिस फैक्टर इज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव अ गुड हेल्थ, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करेंगे, योगा जब हम करेंगे, तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, योगा हो रहा है, तो इससे हमारा माइंड और फिजिकल फिटनेस भी रहेगी और प्रॉपर हम मतलब कि हम हेल्दी रहेंगे, हमें ओबेसिटी नहीं होगी, क्योंकि ओबेसिटी जो होती है, ओबीज पर्सन जो होते हैं दे आर वेरी मच प्रोन टू डायबिटीज़, दे आर वेरी मच प्रोन टू द हाइपरटेंशन एंड ऑल अदर डिजीजेज, राइट। सो द एक्सरसाइज एंड योगा रिड्यूस दिस फैक्टर, राइट। सो सेकेंड थर्ड है हमारा, फोर्थ है, दैट इज अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन, मतलब कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि ये जो बीमारी है, कोई पर्टिकुलर बीमारी है, उस बीमारी का क्या सिम्टम होता है, क्या साइन होता है, और उसका जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे कैसे होता है, वो मतलब कि कैसे वो असर करता है हमारे बॉडी को, राइट। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अवेयर रहेंगे, अगर हमें पता है कि रेनी सीजन में मलेरिया होता है, समर में कुछ हीट और स्ट्रोक होता है, तो अवेयर जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक बीमारी जा नहीं सकती और तब तक आप अच्छे गुड हेल्थ को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टू अचीव द गुड हेल्थ दैट इज़ वैक्सीनेशंस। जो बच्चा पैदा होता है तो उसे समय समय पे एक रेगुलर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है इन फ्यूचर उसे ना हो। तो इन वैक्सीनेशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू दैट इज़ अचीव अ गुड हेल्थ और प्रिवेंट द इन्फेक्शन एज वेल। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी हम वेस्ट मटेरियल घर में वो होता है, इकट्ठा होता है या कहीं भी इकट्ठा होता है, तो उसे एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल करना जरूरी है, ना कि कहीं पे भी फैला दो। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव अ गुड हेल्थ और स्टॉप द डिजीज़। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ वैक्टर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कंट्रोल ऑफ वैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे अब मलेरिया है, तो मलेरिया जो होता है वो किससे फैलेगा, मॉस्किटो से फैलेगा, और भी बहुत सारे वैक्टर्स होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई इज ऑल्सो अ वैक्टर फॉर द दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजिंग डिजीजेज। तो हाउस फ्लाई को भी कंट्रोल करना है, मलेरिया को भी कंट्रोल करना है, तो ऐसे वैक्टर जो कि डिजीज करते हैं उनको कंट्रोल करने से हमारा हेल्थ सही रहेगा, हम डिजीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। एंड लास्ट वन दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड। जो भी हमारा फूड होना चाहिए बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए, प्रॉपर ढका हुआ होना चाहिए, और जब जो भी हम वाटर पी रहे हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स से हमें ये पता चलता है कि हम कैसे अपने हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं, अपने कैसे हेल्थ को मतलब कि अच्छा हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, और जो भी बीमारी है उसे कैसे हम उस बीमारी को दूर भगा सकते हैं, जैसे हमें कोई भी बीमारी जल्दी से ना हो। ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं कि डिजीज़ क्या होता है। सो द एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज अ डिसकम्फर्ट और डिसेबिलिटी और यू कैन से इम्पेयर ऑफ हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिजीज। अब हर एक वर्ड को थोड़ा समझते हैं कि एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंजेस, मतलब कि अगर हम सही से काम ना कर पाएँ, सो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल चेंजेस, या फिजिकल कुछ चेंजेस हो जाए, मतलब कि मान लो किसी का हाथ टूट गया तो ये फिजिकल चेंज हो गया, या कोई इतना ज़्यादा बीमार है कि उसका वेट लॉस हो गया, वो फिजिकल चेंज हो गया, कोई काला हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो फंक्शनल वो काम नहीं कर रहा है, अपना नॉर्मल काम नहीं कर रहा है, या फिजिकल कि बाहर से देखने में वो बिल्कुल बीमार जैसा लग रहा है ना। सो एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट, पहले वो नॉर्मल था, अब उसमें चेंजेस आ गए, दे कॉजेज द डिसकम्फर्ट, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ को करने में, या कुछ डिसेबिलिटी हो रही है कि वो प्रॉपर सही से काम नहीं कर पा रहा है, या और यू कैन से द इम्पेयर ऑफ हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिजीज। सो दिस इज एक्चुअली अ डिजीज विच कॉजेज अ एनी डिसकम्फर्ट डिसेबिलिटी और इम्पेयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिजीज। और अगर हम फर्दर इसका डेफिनेशन देखें, दूसरा डेफिनेशन देखें, तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम इज कॉल्ड डिजीज़। मतलब कि अगर मान लीजिए कि स्टमक में कोई बीमारी हो रही है, सपोज अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, तो क्या होगा कि कुछ सिम्टम होंगे, जो एसिड रिफ्लक्स होगा,
या सही से डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन हो गया, या एब्डोमिनल फुलनेस होगा. सो दिस इज अ सिम्टम, ठीक है. और कौन सा बॉडी इफेक्ट हो रहा है? स्टमक इफेक्ट हो रहा है. सो द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट द बॉडी विच हैविंग अ स्पेसिफिक सिम्टम, सो दिस इज कॉल्ड अ डिजीज. इसे हम डिजीज कहते हैं. तो बेसिकली डिजीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज और यू कैन से कॉम्युनिकेबल डिजीज. मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्युनिकेबल, हम कॉम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्युनिकेशन, राइट. तो कॉम्युनिकेशन से ही ये कॉम्युनिकेबल बना है. तो कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है कि ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली फैले. डायरेक्टली फैले का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट चला जाए. मान लीजिए कि कोई पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसको कुछ निमोनिया है या टीबी है, और डायरेक्टली यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है जो नॉर्मल है, उसे कुछ नहीं है, तो अगर वो स्नीजिंग करता है, खांसता है, कफिंग करता है, तो डायरेक्टली इसके पैथोजन जो होंगे नॉर्मल इंडिविजुअल में जा सकते हैं. और ये अब डिपेंड करता है कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर कितनी इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की पावर कितनी है, वही डिसाइड करेगा कि उसे टीबी होना है या नहीं होना है, या निमोनिया होना है या नहीं होना है. यानी कोई भी पर्सन में डिजीज होता है, सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देयर इम्यूनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डाइट कैसा है, प्रॉपर चीज. जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि वो सिगरेट पीता था बट उसे लंग कैंसर नहीं हुआ, और इस दूसरा व्यक्ति है ना तो सिगरेट पीता था ना कुछ हुआ, उसे लंग कैंसर हो गया, है ना. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर हर एक की बॉडी अपने अपने में अलग है, ठीक है. ऑल दो वी आर ह्यूमन बींग, वी आर यूनिक, बट हर एक की बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है. कोई डिजीज से बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, कोई डिजीज से प्रोन नहीं होता है. तो इस पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि वो सिगरेट पी रहा है तो उसे कभी कुछ होगा ही नहीं. बिल्कुल होगा, बिकॉज द सिगरेट स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर टू डेवलपिंग द लंग कैंसर. बट उसे हो सकता है, बट दूसरे व्यक्ति को बिना सिगरेट पिए भी हो सकता है. ये टोटली जेनेटिक्स, इम्यूनिटी और बहुत सारी चीज़ों पर फैक्टर करता है. तो इन्फेक्शियस डिजीज और कॉम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये हुआ कि द डिजीज विच कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज और कॉम्युनिकेबल डिजीज. वाइल द सेकेंड ग्रुप ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली फैलता नहीं है. जैसे कोई मुझे, मान लीजिए मुझे एनीमिया है और मैं किसी से हाथ मिला रहा हूँ, तो उसका ऐसा नहीं है हाथ मिलाते ही खून कम हो जाएगा, है ना. सो दैट इज ऑल द न्यूट्रिटिव, जितने भी न्यूट्रिशन डिफिशेंसी वाले बीमारी होती हैं, ऑल द न्यूट्रिशन डिफिशेंसी. मान लीजिए किसी को कैल्शियम की कमी है और हाथ मिला दिया, गले मिल गया, तो उसको भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. मुझे कैल्शियम की कमी है तो आपको नहीं हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है, इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डिजीज. और इवन मान लीजिए कि मुझे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको वो नहीं हो सकता है. तो द हाइपरटेंशन, कैंसर, न्यूट्रिशन डिफिशेंसी, ऑल आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विच इज नॉट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, राइट. सो तो इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस. अगर किसी को टीबी है तो अगर किसी को सामने वाले पर्सन को जाके कफिंग कर देता है तो उसको भी टीबी हो जाएगा. निमोनिया भी इसका एग्जाम्पल है. और एचआईवी, अगर मान लीजिए किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या निडल पियर्सिंग हो जाती है, निडल प्रिक हो जाता है, तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली हो रहा है. यहाँ पे न्यूट्रिशन डिफिशेंसी है, न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम के डिफिशेंसी है, आयरन के डिफिशेंसी है अगर किसी को, तो मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस है. हार्ट डिजीज़ है तो वो भी, हार्ट डिजीज़ भी हमारा इसी में आ जाता है. किसी को एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो इसमें भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ गया. कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो ये सारे नॉन इन्फेक्शियस में आएगा. सो पैथोजन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिससे हमें बीमारी हो जाए, जिससे हमें डिजीज हो जाए. सो द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन, सिंपल. तो जिससे हमें डिजीज हो सकता है कि अगर कोई बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा है तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, हमारा पैथोजन हो जाएगा. अगर वायरस डिजीज कॉज कर रहा है तो वायरस हमारा क्या हो जाएगा, पैथोजन हो जाएगा. सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर द पैथोजन. डिजीज जिससे होता है उसे हम पैथोजन कहते हैं. तो बैक्टीरिया इसमें शामिल हो सकता है,
वायरल से डिजीज हो सकता है, प्रोटोजोवन से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, एंड देयर आर द लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल टू विच कॉज ऑफ द डिजीज एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस. जैसे हेलमेंथिस से भी डिजीज हो सकता है, रिकेट्सिया, हेमाइडिया, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कॉज ऑफ द डिजीज. सो दिस इज अ पैथोजन, इसे हम पैथोजन बोलते हैं. सो डिजीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिजीज जो होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं. तो बैक्टीरिया से होने वाले बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है, प्लेग है, टिटनस है, वूफिंग कफ है, बहुत सारे बीमारी होते हैं. बट हम कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड टाइफाइड. टाइफाइड इज़ बेसिकली कॉल्ड एंट्रिक फीवर. तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एंट्रिक फीवर. सो एंट्रिक का मतलब होता है कि हमारा, दैट इज़ कॉल्ड GIT, दैट इज़ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो टाइफाइड इज़ जनरली द टारगेट ऑर्गन ऑफ द टाइफाइड इज़ GIT. एंड द GIT में गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टीन. तो स्मॉल इंटेस्टीन जो होता है वो टारगेट ऑर्गन होता है किसका, टाइफाइड का, इसलिए इसे एंट्रिक फीवर कहते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं, मतलब कि ये बीमारी जो है कौन से बैक्टीरिया से होता है. तो इट इज़ ड्यू टू द साल्मोनेला टाइफी. तो साल्मोनेला टाइफी इज कॉजेज ऑफ टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर. तो टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर इज ड्यू टू द साल्मोनेला टाइफी. मोड ऑफ इन्फेक्शन, आखिरी इन्फेक्शन होता कैसे है. तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर विथ स्पोर्स ऑफ द पैथोजन, मतलब कि अगर हम जो भी खाना खा रहे हैं, अगर कोई फूड ले रहे हैं या कोई ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब कि पानी पी रहे हैं, तो उसके साथ अगर कोई पैथोजन आ जाता है, साल्मोनेला टाइफी के पैथोजन अगर आ जाते हैं, तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगा. तो दिस इज़ द मोड ऑफ इन्फेक्शन. अभी बताता हूँ कि कैसे होता है. इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई साल्मोनेला टाइफी मेरे बॉडी के अंदर आया है फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू, और जब तक सिम्टम अपीयर नहीं हो जाते हैं, उसको हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. तो इनक्यूबेशन पीरियड इज द नेचुरल गैप बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड कॉजेज द सिम्टम. तो इसका जो होता है ऑन एन एवरेज 2 वीक तक होता है, 1 to 3 वीक का होता है. तो ये पूरा साइकिल है. पैथोजन जनरली एंटर थ्रू द फीको ओरल रूट, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो फीकल पार्ट है, फीकल पार्ट में बेसिकली इसके पैथोजन होते हैं, साल्मोनेला टाइफी के पैथोजन रहते हैं. अगर यही फीकल पार्ट कॉन्टेमिनेट हो जाए, किससे कॉन्टेमिनेट हो जाए, फूड से कॉन्टेमिनेट हो जाए, वाटर से कॉन्टेमिनेट हो जाए, और यही फूड और वाटर कोई हेल्दी पर्सन अगर इनटेक करता है, तो उसको टाइफाइड होता है. सो दिस इज अ फीको ओरल रूट. तो पैथोजन इज जनरली एंटर थ्रू द फीको ओरल रूट एंड द पैथोजन, दैट इज द साल्मोनेला, एंटर इन टू द स्टमक फर्स्ट. बट स्टमक में जो एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता है. देन इट माइग्रेट इन टू द स्मॉल इंटेस्टीन, और स्मॉल इंटेस्टीन में वो बहुत ही अच्छे से प्रोलिफरेशन करता है, मतलब अपना नंबर अच्छे से बढ़ाता है. तो इसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं अगर वो इंटेस्टीन में रहता है. तो इंटेस्टीन के अंदर वो छेद कर दे, तो दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन. तो द कॉज ऑफ द इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन साइड द स्मॉल इंटेस्टीन. और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो माइग्रेट हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गन में जाके, उस ऑर्गन को डैमेज कर सकता है. तो दिस इज द 2 ऑप्शंस ऑफ द दिस बैक्टीरिया. सो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दिस, द सस्टेन हाई फीवर, लंबे समय तक हाई फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगा उस पेशेंट को, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडेक रहेगा, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी. तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि उसे टाइफाइड हुआ है. तो एज अ डॉक्टर, मेरे पास अगर कोई पेशेंट इस तरह से आएगा, इस तरह से सिम्टम लेके जाएगा, तो सबसे पहले मैं उसका विडाल टेस्ट कराऊंगा. अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव होगा तो मैं 2 ही टैबलेट लिखूंगा. दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कि अगर आपको विडाल टेस्ट है तो टैबलेट सिफेक्सिम 250 mg BD सुबह और शाम देंगे, और टैबलेट पेंटोसिड बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड टैबलेट पैरासिटामोल BD देंगे 14 देर तक, और टाइफाइड से मुक्ति मिल जाएगी. एक थी मैरी मेलॉन. मैरी मेलॉन थी, वो टाइफाइड लेडी उसे कहते थे, मैरी मेलॉन. एंड यस, सी इज़ अ प्रोफेशनली कुक बाय द प्रोफेशन, राइट. तो खाना बना के किसी से कॉन्टेमिनेट कर देती थी, और वो अगर किसी दूसरे को खिलाती थी तो उसको भी टाइफाइड हो जाता था. दिस इज़ अ कैरियर फिर फॉर द फीमेल. सो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. कमेंट जरूर कीजिए. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप जब कमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या चीज़ें नहीं आई है.
और इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से मैं बनाता हूँ, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आप किसी किसी को भला करते हैं तो आपका भी भला होता है, मेरा यही टारगेट है, सब लोग मिल बांट के हम इस स्टडी को और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।